नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे भविष्यकाल और भविष्यकाल के भेद। मुख्य रूप से क्रिया के तीन काल होते हैं, एक वर्तमान काल। वर्तमान काल से हमें अभी चल रहे समय का बोध होता है। दूसरा भूतकाल। भूतकाल से हमें बीते हुए समय का बोध होता है। और तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल से हमें आने वाले समय का बोध होता है। भविष्यकाल के तीन भेद है, उसमें सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मद विषय भविष्यकाल। सबसे पहले हम भविष्यकाल किसे कहते हैं यह देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। संक्षेप में भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वैभव पत्र लिखेगा, शायद कल बारिश हो, तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। इन वाक्यों में हमें क्रिया के रूप से कार्य आने वाले समय में या भविष्य में होने का बोध होता है, इसीलिए यह वाक्य भविष्य काल के है। यहाँ पर जो तीन वाक्य दिए गए हैं, उसमें से पहला वाक्य देखो, वैभव पत्र लिखेगा। लिखेगा, इसका अर्थ यह वाक्य सामान्य भविष्य काल का है। शायद कल बारिश हो का अर्थ होता है, यह वाक्य संभाव्य भविष्य काल का है। तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, इसका अर्थ यह वाक्य हेतु हेतु मद विषय भविष्य काल का है। अब हम भविष्य काल के भेद देखेंगे। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, उसमें से पहला सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया भविष्य में संपन्न होगी, इसका बोध हमें सामान्य भविष्यकाल से होता है। जैसे वैभव पत्र लिखेगा, कल मंदिर में पूजा होगी, हम घूमने जाएंगे, राम नई साइकिल खरीदेगा, दुल्हन सभा मंडप में आएगी। इन वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, इसीलिए यह वाक्य सामान्य भविष्य काल के है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, सामान्य भविष्य काल के वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं। भविष्य काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने या करने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध संभाव्य भविष्यकाल से हमें होता है। जैसे शायद कल बारिश हो, राकेश उत्तीर्ण होगा, शायद कल हम दिल्ली जाए, संभव है पिताजी कल आए, कदाचित दुर्घटना से वह बच जाए। इन वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता, इसीलिए यह वाक्य संभाव्य भविष्य काल के है। संभाव्य भविष्य काल में क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता और इन वाक्यों के अंत में हो, होगा, ए शब्द का प्रयोग होता है। भविष्यकाल का तीसरा भेद है हेतु हेतु मद विषय भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मद विषय भविष्यकाल कहते हैं। हेतु हेतु मद विषय भविष्यकाल में
भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहती है। जैसे यदि छुट्टी होगी तो मैं नासिक जाऊंगा, सोनाली पढ़ेंगी तो उत्तीर्ण होगी, तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, आंचल कमाए तो बच्चे खाए, शिक्षक पढ़ाए तो बच्चे पढ़ेंगे। इन वाक्यों में भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसीलिए यह वाक्य हेतु हेतु मद विश्य भविष्य काल के है। हेतु हेतु मद विश्य भविष्य काल के वाक्य में तो, गा, गी, गे या तो, ए आते हैं। धन्यवाद।